वेलकम बैक जी भाई। तो आप लोग जब तक ग्लिम्प्स देखे, हम लोग छोटा सा नैप ले लिए और लेके वापस आए। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग ऑल सेट है US इमिग्रेशन काउंटर पे चेक इन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस है। जब आप वीज़े के लिए जब जाते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज जब आपको वीज़ा लगता है। फिर सेकेंड स्टेज इज़ द इमिग्रेशन काउंटर, जहाँ पे आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो जिद्दा से तो हमारा सामान चेक इन हो चुका था, तो डायरेक्टली शिकागो पे मिलेगा। अब जो कैबिन लगेज है वो हमारे साथ है और हम जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करने का कोई मूड नहीं है क्योंकि लंबी ट्रिप है, 15 घंटे की ट्रिप है ऑलमोस्ट। तो 15 आवर्स इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग मलेशिया गए थे इट वॉज़ लाइक 11 आवर्स ट्रिप और एयर टर्बुलेंस भी कुछ ज़्यादा था। मगर यहाँ पर 15 आवर्स इज़ लाइक लिटिल बिट मोर, वो भी बच्चों के साथ। सो लेट्स सी, एक नया एक्सपीरियंस होगा कि 15 घंटे की फ़्लाइट में कैसा लगता है और क्या करेंगे हम लोग। तो अभी हम जाएंगे, पहले क्लियर करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बड़े अपनी टेंशन में रहते, बच्चे अपने जुगाड़ में लगे हुए रहते। ये देखो आप क्या कर रहे बेटा, देख रहे यार। बैगेज लेने के लिए और फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे। फाइनली पहुँच गए हम और हेलो, ये हमारा लगेज और अब हम लोग जाएंगे बाहर। बहुत एग्जॉस्ट हो गए, इमेजिन फैमिली के साथ जब आप आते तो आपको सारा लगेज बाहर लेके जाना, बैग सूटकेसेस और अकेले बंदा इतनी मेहनत, हक बनता थोड़ा रेस्ट का। तो फ्रेश होके गुफ्तगू करेंगे। चलो क्या बात है, बारिश हो रही भाई, शिकागो में बारिश हो रही। कैमारू हमारी फेवरेट मिल गई भाई यहाँ पे देखने को जी। तो बेसिकली ये है टाउन हाउसेस, वाह वाह वाह, हम दो हमारे दो वाले घर आए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। वो कॉन्जरिंग का भी घर इधर ही चुना नहीं। जबरदस्त। The next morning, welcome back। आ गए हैं हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो में और घर पे भी पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी की टाइमिंग, US की टाइमिंग और इंडिया की टाइमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये फ़र्क को दूर करने के लिए वी हैड टू ट्रैवल 13 आवर्स इन सन लाइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइटल देख के कि आपको 22-23 आवर्स में लिखाऊँ, क्यों लिखाऊँ, तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसके साथ आपको सब्सक्राइब करना है मेरे टिकटॉक चैनल पे। यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये है स्नैपचैट और ये है फेसबुक, सही है। और आप लोगों के साथ ये बात करना है मुझे कि हम लोग जब निकले थे वहाँ से, ठीक है, 6 बज रहे थे, सुबह के 6 बजे हम उठे और सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक का जो ड्यूरेशन था वो हम एयरपोर्ट पे से इमिग्रेशन काउंटर पे गए। और इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर गए बाद दोबारा जो फिर से आपको जो बताया था सेकेंड फेज़ जो इमिग्रेशन का है
वो एक तकरीबन 35 मिनट्स का प्रोसेस था, तो वो 35 मिनट का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। फिर हम वहाँ से निकले, अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैम्प्स लगे और फिर हम फ़्लाइट के लिए प्रोसीड हुए। तो 9:15 को फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई, और जब टेक ऑफ हुई तो नॉन स्टॉप 13 आवर्स इट वॉज ओनली सनलाइट, मतलब या यहाँ से या यहाँ से धूप तो दिख रही थी बराबर। फिर जब हम लैंड हुए तो US के तकरीबन 2:10, 2:145 हो रहे थे, बाहर निकले तक 2:15 हो रहे थे। फिर 2:15 से जब हम वापस घर तक पहुँचे, अगेन धूप, और जब आए तो माशाल्लाह से यहाँ पे दिन बहुत लंबा है और रात बहुत छोटी है। मतलब आप ये सोच लो कि मगरिब यहाँ पे 7 बजे के आसपास होती है, 7:30 को, तो 9 बजे के टाइम पे, 8:40, 8:30 के टाइम पे सनसेट होता है यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप, ज़रा एक बार आप नज़ारा तो देख रहे हो आप। तो ये एक चीज़ है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि ख़ासतौर से छोटे बच्चे, क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल वाइल्ड ट्रैवलिंग 13 to 14 आवर्स, क्योंकि नॉन स्टॉप प्लेन में बैठना एक ही जगह पे, और फिर बच्चों के दिमाग चलते रहते हैं और वो सोते नहीं। तो मेक श्योर दैट दे ईट वेल एंड दे ईट लेस, और उनको प्लेन में ही सुलाना चाहिए। आवाज़ आ रही, अंदर जाएंगे। अंदर आ गए तो हमारी बात क्या चल रही थी कि बच्चों को सुलाने की बात चल रही थी। तो मेक श्योर दैट कि बच्चे प्लेन में सोने से पहले जागते रहें, क्योंकि एक बार फ्लाइट में आ जाए तो वो मस्त सो जाए, नहीं तो आपको सोने नहीं देंगे। और रही बात प्रोसेस और रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर की, तो सबसे पहली चीज़, अब तवक्कलना पे आप फ्लाइट सऊदी अरब छोड़ने से पहले, जो भी सऊदी से जा रहे हैं, तवक्कलना से आप अपना वैक्सीन करा हुआ सर्टिफिकेट प्रिंट आउट कर लें, क्योंकि ये आपको ज़रूरत है वापस जब सऊदी में आप जाएंगे, क्योंकि तवक्कलना यहाँ पे नहीं चलेगा। और बाय द टाइम यू गो बैक यू विल बी इन द इमिग्रेशन, समझिए आप। तो आपको उस टाइम पे आपके पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको अपना PCR टेस्ट करवाना है थ्रू द रजिस्टर्ड वैक्सीनेटेड सेंटर्स, जहाँ पे वैक्सीन भी मिल रही थी, बट कुछ सेट ऑफ हॉस्पिटल्स इन्होंने सेलेक्ट किए जहाँ से अपने को PCR करवाना है। ठीक है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो जिसको भी PCR करवाना है आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसमें अबीर भी है और अलबोर्क भी है, जो कि आपको ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी देता है, बट मेक श्योर दैट कि यू नीड टू बुक 2 डेज बिफोर। तो ये लोग जितने भी हैं, ये लोग आपको रिपोर्ट देंगे नॉट ऑन द वीकेंड, सो मेक श्योर योर फ्लाइट इज़ नॉट ऑन सैटरडे, क्योंकि अगर आप सैटरडे है तो यू विल लूज मच ऑफ योर टाइम। तो मेक श्योर दैट कि 72 आवर्स का जो आपका फ्लाइट और आपका टेस्ट का कनेक्शन जुड़ा रहे, ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट जा रहे हो और आपका एक्सपायर्ड PCR टेस्ट है। तीसरी चीज़, मेक श्योर कि आप अपनी हैंड कैरी में सैनिटाइजर स्प्रे रख लें। लिक्विड विल नॉट हेल्प यू आउट, स्प्रे रखने से एक एडवांटेज ये है कि जब आप स्प्रे करेंगे अतराफ से, द एंटायर पोर्शन जो हवा का है जो है, इट विल बी सैनिटाइज, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो इट स्प्रेड्स अक्रॉस इवन टू योर लेफ्ट टू योर राइट, मगर आप सैनिटाइजर रखते हैं तो आप किसी बस हाथ के अंदर आप पोंछ लेंगे, और दैट्स नॉट मच अफेक्टिव। तो ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि यू कैन टेक 100 ml ऑफ सैनिटाइजर, नॉट मोर देन दैट पर पैसेंजर, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना चाहिए आप लोगों को, मेक श्योर दैट यू हैव योर कॉलर रेस्ट, ताकि जब आप प्लेन में हो, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, तो लाजमी वो बनता है कि आप अपने साथ रहें। वो लोग देते हैं पिलोस प्लेन में, मगर वो दोज आर नॉट दैट कम्फर्टेबल कम्पेयर टू दिस। और क्या, और कुछ भी नहीं है। तो बस हम लैंड हो गए, उसके बाद हमारा लगेज आया, और एक एडवांटेज आपको बता देता हूँ, इत्तेहाद एयरवेज से अगर जो भी US आ रहे हैं, आपका इमिग्रेशन होगा अबू धाबी में, और द बेस्ट पार्ट, अबू धाबी में इमिग्रेशन होगा, तो जब व्हेन यू लैंड इन US यू आर हासल फ्री, सीधा प्लेन से निकलेंगे, अपने वहाँ पे जाएंगे लगेज पिक करने के लिए, लगेज पिक करें और सीधा बाहर, यू विल नॉट बी इवन स्टेइंग इन द एयरपोर्ट फॉर अ मिनट। मगर अगर आप शिकागो में लैंड हुए बाद से ये प्रोसेस को जाते हैं, तो भाई फिर लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हर डायरेक्शन के फ्लाइट्स, हर डायरेक्ट मतलब दुनिया के हर कोने से आते हैं, तो जाहिर सी बात है दैट विल टेक मच ऑफ योर टाइम, बट टू कट शॉर्ट योर ड्यूरेशन, क्योंकि एनी हाउ यू आर कमिंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर, सो वाई डोंट यू सेलेक्ट अबू धाबी। अबू धाबी में उतरो, थोड़ी देर की बात है, वहाँ पे आपका इमिग्रेशन सुकून से हो जाएगा। इमिग्रेशन क्लियर के लिए फ्लाइट में बैठ गए एंड डायरेक्टली यू आर आउट एयरपोर्ट के बाहर अपना लगेज लेके। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद रियली डिड एन ऑसम जॉब। बहुत बेहतरीन फ्लाइट थी, टेक ऑफ, लैंडिंग, खाना, कस्टमर सर्विस, टू गुड। तो दैट्स इट, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये दिल से बोल रहा हूँ जो मुझे फील हुआ।
तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, तो अगले ब्लॉक में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और सुनने को। टेक केयर, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।